वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का पावन संपूर्णता दिवस 30 अगस्त को तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती के उत्ते बड़ी श्रद्धा भावना के नाल मनाया जा रहा है। अज 28 अगस्त को समागम की आरंभता जिहड़ी है वह हो चुकी है। अज बच्चों के भाषण मुकाबले, क्विज़ मुकाबले, कविता मुकाबले जिहड़े ने तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती पर करवाए जा रहे हैं। कल 29 अगस्त को कवि दरबार हो रहा है शाम को, जिस विच नामावर कवि जिहड़े ने वह कवितावां राही सिख इतिहास सुना के संगतां नूं निहाल करनगे। ते परसों 30 अगस्त को वड्डे समागम ने श्री अखंड पाठ साहब जी की समाप्ति होएगी। उपरंत दीवान सजनगे जिहदे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के रागी जत्थे भाग लैणगे, इलाही बाणी के कीर्तन द्वारा किरतार्थ करनगे, कथावाचक कथा द्वारा संगतां नूं किरतार्थ करनगे। ते बुलारे जिहड़े ने वो अपने अपने गुरमत विचारां जिहड़ियां ने वो सुना के संगतां नूं निहाल करनगे। समूह संगत नूं यह ही अपील है कि वध तो वध गिनती दे विच असी तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती दे उत्ते 3 दिन चल रहे होण वाले समागमां दे विच हाजरियां लवाउणियां ने। 30 अगस्त दे समागम दे विच खास तौर दे उत्ते संगत वध तो वध गिनती दे विच पहुँचे, गुरु नाल जुड़े, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन संपूर्णता दिवस है। इस पावन दिहाड़े दे उत्ते 1706 दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी ते बाबा दीप सिंह जी नूं सह लिखारी ला के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता की सी। और इस पावन दिहाड़े नूं समुचा पंथ संपूर्णता दिवस वजों मनाउंदा है। तख्त श्री दमदमा साहिब विखे मनाया जा रहा है। आप वध तो वध तख्त साहिब विखे हाजरियां भरो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।